और अब देखते हैं अनंत अंबानी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं रूबिका लियाकत। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं दुनिया के सबसे बड़े रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर में खड़ी हूं तो आपके जहन में क्या आएगा? हो सकता है आप किसी डेवलप्ड नेशन के बारे में सोचे, शायद आपके जहन में अमेरिका आ जाए या रशिया आ जाए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं हिंदुस्तान की बात कर रही हूं, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर है, शेल्टर है, नाम है उसका वन तारा, और उस वन तारा के दिल में धड़कता है वो दिमाग, वो चेहरा जो आज हर किसी के जहन में समाया हुआ है। मैं इस वक्त इनवाइट करना चाहती हूं धीरूभाई अंबानी के पोते मुकेश और नीता अंबानी के बेटे अनंत अंबानी को। बहुत नमस्ते, बहुत नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो इस खूबसूरत प्रोजेक्ट के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां। ये आपका पैशन है कि प्रोफेशन है? ये मेरा पैशन है और ये तो मेरा एक, हमने ये पूरा ये सोच रचाया था बचपन से ही। माताजी ने मुझे सिखाया था हम जानवर का और अलग अलग जीव जंतु का सेवा कैसे करें। तो बचपन से ही मैं, मेरे घर में माताजी मेरे से पहले जब वो छोटे थे उन्होंने 20-25 कुत्तों को पाला था घर पे। और मुंबई के लिए वो तो बहुत बड़ी बात होती है 20-25 कुत्ते घर पे फ्लैट में रखना। सेंटा क्रूज में रहते थे वो उनके शादी से पहले। और माताजी ने मुझे सिखाया कि जो बेजुबान जानवर है उसका सेवा सबसे बड़ी सेवा है, वही सबसे बड़ी पुण्य वाली सेवा है और वही धर्म है और वही एक ऐसी चीज है जो आदमी को बहुत सारा पुण्य प्राप्त करा सकता है। तो इस विचार से हमने ये काम बचपन से चालू, बचपन में हमने डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो पालतू जानवर है, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गियाँ, खरगोश, जो सुअर, सबसे हमने चालू की थी मुंबई में करजत में 100 एकड़ में। हमने उस समय 1,00,000 पालतू जानवर का चालू किया था। फिर हम सोचे जामनगर कैसे आना हुआ, मतलब आप कह रहे हैं करजत में थे, मुंबई में सब कुछ आपके पास था, माँ ने बचपन से एक एक पूरा बेस बनाकर रखा था, अनंत अंबानी जामनगर कैसे आ गए? तो मेरे दादाजी और मेरे जो दादी जी है, दादी जी जामनगर के हैं। तो दादाजी ने एक सपना सोचा था कि हम जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी बनाएं। पिताजी ने वो सपना साकार की दादाजी की। पिताजी ने यहाँ खुद जामनगर में 10 से 12 साल रहकर ये रिफाइनरी बनाई जो दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है। अब यहाँ न्यू एनर्जी का भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है जानवरों के लिए। इसके लिए सोचा माताजी ने, मेरे माताजी ने जामनगर में 1,000 एकड़ पर एक जंगल खड़ा कर दिया। आप तो एयरपोर्ट से आए होंगे तो आजू बाजू में आपने देखा होगा कि पूरा बंजर जमीन है, बट यहाँ आप देखोगे तो आपको झाड़ी झाड़ देखा जाएगा। तो माता जी ने ये पूरा बहुत मेहनत की 1995 से। टेम्परेचर जो है वो गिर गया है जी, और मैंने कुछ लोगों से बात की है, उन्होंने कहा है अब हरियाली दिखती है हर जगह पर। हमने टोटल यहाँ 8.5 करोड़ झाड़ लगाए हैं। 8.5 करोड़ माताजी और पिताजी ने 8.5 करोड़। रिफाइनरी तो है ही बट साथ साथ में यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा आम का बगीचा भी बनाया गया है। अनंत अंबानी के मन में ये विचार आया तो वो पहला शख्स कौन था जिसे आपने जाकर ये बताया कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, और उसका रिएक्शन क्या था? मम्मी थे, मम्मी को मैंने बताया। मम्मी ने पहले कहा कि इसलिए आपको टीम जरूर, अकेले आप नहीं कर सकते हो तो आप एक टीम खड़ा करिए। पापा के पास गया तो पापा ने बोला कि अगर करना है तो दुनिया का सबसे अच्छा करिए, करना है तो जो भी करना है दुनिया का सबसे अच्छा होना चाहिए तो ही आप करिए, और इससे जानवरों का भला होना चाहिए। अगर आप जानवर का भला के लिए करना चाहते हैं तो जानवर, बट करना है तो दुनिया का सबसे अच्छा। तो मैंने उस तो ये से प्रेरणा ली, सबसे अच्छा मैंने बहुत कोशिश की। आपने तो पूरा घुमाई होगा, मैं अभी तो मैं दुनिया का अच्छा बोली क्योंकि अभी तो आप खाली 10 या 25% ही खत्म हुआ है। कितना बड़ा ये इलाका है, हमने कितने आप जानवर लेकर आए हैं, कितनों को बचाया आपने अभी तक? हमने ये 2,000 से 2,500 एकड़ में बनाया है रेस्क्यू सेंटर। यहाँ का हॉस्पिटल जो है इसमें 6 सर्जरी सेंटर्स है, इन पेशेंट वार्ड है, आउट पेशेंट वार्ड है, MRI मशीन है जो मेरे हिसाब से इंडिया में एक ही है, CT स्कैन है,
जानवरों के लिए, रोबोटिक सर्जरी मशीन्स है, लैब है जिसमें 100 से ज़्यादा वैज्ञानिक काम करते हैं। लेकिन कितने जंगली जानवरों को आपने रेस्क्यू किया है? अब तक हमने यहाँ 25,000 से ज़्यादा जंगली जानवरों को रेस्क्यू किया गया है और हमें बहुत सारे जानवरों का ध्यान भी रखा गया है। हम यहाँ से टीम्स पूरे भारत में सब जगह भिजवाए, जूज में भिजवाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, बहुत सारे अलग अलग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हमने मदद की, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। आपकी होने वाली धर्मपत्नी आपके इस प्रोजेक्ट को कितना सराहती है, कितना उनका योगदान है, वो क्या कहती है? वो भी एक बहुत बड़े जानवर प्रेमी है और कभी भी ये नहीं बोलती है कि आप, क्योंकि बहुत समय मेरे पास समय ही नहीं बचता है, काम के बाद मैं इस पर लगा रहता हूँ तो इस पर लगा, तो वो साथ साथ में मुझे मदद करते हैं। अगर कोई जानवर बीमार है तो हमारे जो वैद्य, जो हमारे पशु वैद्य है, उनसे बात करना। कभी कभी अगर मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ, मैं मौजूद नहीं रहता हूँ यहाँ, तो वो खुद पशु वैद्य से बात कर लेते हैं, वो खुद हमारे जो ट्रस्ट के मैनेजर्स हैं उनसे बात करके फीडबैक लेते हैं, और वो खुद कोई कोई हाथी है जो उनको आवाज़ से पहचानते हैं। हमने बहुत सारे हाथी रेस्क्यू किए हैं साथ में और बहुत सारे हाथी राधिका को आवाज़ से पहचानते हैं, और उससे ज़्यादा मेरी जो मम्मी है वो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा रही है। आपने जो गजराज, और देखिए साक्षात गणेश जी जो हैं उनकी मूर्ति आपने यहाँ पर स्थापित की हुई है, सैकड़ों हाथी जो है आपने रेस्क्यू किए हैं, आप अलग अलग इलाकों से रेस्क्यू करके वाइल्ड कैट्स को भी लेकर आए हैं। इनफैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी प्रोजेक्ट, टाइगर को ले लीजिए, जो कीनिया से चीता लाए गए थे उनको, प्रधानमंत्री तो हम सब के लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने जो भारत के लिए किया है और जो वाइल्ड लाइफ के विषय में किया है, मैं मानता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी काम किया है कि चीता प्रोजेक्ट को सफल किया, प्रोजेक्ट लायन जो गिर में है, जो एकदम दुर्लभ है, उनके कारण सफल उन्होंने ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया था, और हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं। अगर हम उनका 0.5% भी जानवर के लिए करें, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वो तो बहुत बड़ी सोच रखते हैं, कर सकते हैं, हम भी जितना हमारे से होता है हम जानवर के लिए करते हैं, और उनका जो उनसे जो प्रेरणा मिलती है वो कुछ अलग ही महसूस होता है, एक अलग ही पावर आ जाता है कि हम और कुछ करें। जब भी हम उनको टीवी पे सुनते कि प्रोजेक्ट लाइन है, जब वो चीता आए तो बहुत खुशी हुई। अनंत अंबानी का पैशन पूरे देश को समझ में आ गया है, लेकिन इस पैशन को क्या और आप पर देंगे, और इसका कोई मुकाम है या जामनगर तक ये सीमित रहने वाला है? हम जामनगर में एक ऐसे केंद्र बनाना चाहते हैं कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ से करें। हम यहाँ से जितने भी हमारे वेद, जो पशु वेद है, उनको हम पूरे भारत में भेजें यहाँ सिखाकर, कि भारत में ऐसे हमारा ये मकसद रहेगा कि एक भी इंडेंजर्ड जानवर बीमारी से ना मरे कैप्टिविटी में। आप जो इंस्पायर हुए हैं अपनी माँ से, आप चाहेंगे कि ऐसे लाखों अनंत पैदा हों हिंदुस्तान में जी, लेकिन उसके लिए आपको इंस्पायर करना भी जरूरी है। तो एक आम आदमी जो ये जानना चाहता है, देखना चाहता है कि आपने किस तरीके की फैसिलिटी बनाई है, वो आ सकता है यहाँ पर? जी बिल्कुल। अब हम जैसे जानवर थोड़े सेटल हो जाए, हमारा जूलॉजिकल पार्क खुलेगा, हमारा हॉस्पिटल के लिए हम एक विजिटर गैलरी बनाएंगे, और ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, ये बिल्कुल सेवा का कार्य है। जैसे मैंने आपको कहा, ये प्राणी संग्रहालय नहीं, ये प्राणी सेवालय है। तो हम यहाँ लोगों को, यहाँ उनको एक अलग प्रेरणा से भावुक होकर कुछ जानवर के लिए करने ज़रूर बुलाएंगे, और हम ऐसे भी सोच रहे हैं कि हम कॉलेजेस और स्कूल के बच्चे के लिए एक एडुकेशन हब यहाँ तैयार करें कि उनका विजिट्स कराए, और इस पर काम चालू है, और जल्दी ही जनता इसका लाभ ले पाएगी। हमने देखा कि आप कैसे एक एक शख्स को यहाँ पर बनी चीज़ों को दिखा रहे थे, आप इसी तरीके से निरंतर आगे बढ़ते रहे, और ये जो सेवा भाव है, ये जो आपने सेवा लय जानवरों के लिए, खासकर वो जो हमेशा से बेड़ियों में रहे हैं, उनको आज़ाद किया है, उनको आगे बढ़ाया है, उसके लिए आपको खूब सारी शुभकामनाएं, और अपना ख्याल रखिएगा, और उन तमाम जानवरों का जो हमेशा से परेशान रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।